तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। माय नेम इज बी चिरंजीवी राव और आप सभी लोग का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो फिलहाल आज मैं आ चुका हूँ कारा। तो आज मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हैप्पी शिवरात्रि। तो फिलहाल आज शिव भगवान का दिन है तो सोचा एक न्यू वीडियो बनाए, तो इसीलिए फिलहाल आ चुका हूँ कारा। और यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत पुराना एक शिव मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो ये बिल्कुल मेरे पीछे में है ये शिव मंदिर। तो इसके अंदर मैं कम से कम जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तब उस टाइम मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए अपने मम्मी के साथ, लेकिन जब मैं कारा में था उस समय। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बड़बिल में रहता हूँ जो कारा से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जब यहाँ पर मैं जब आया था घूमने के लिए उस समय कम से कम 3 साल पहले का बात है ये। तो फिलहाल आज मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पर घूमने के लिए और मैं आप लोग को इस बार अपने साथ मैं आप लोग को भी दिखाऊँगा कि ये मंदिर कैसा है, अंदर से क्या क्या इसके अंदर है। तो आज शिवरात्रि है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाला है। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे आ रहे जा रहे, तो बहुत मुश्किल से ये वाला ब्लॉग अभी बना रहा हूँ मैं। तो फिलहाल अंदर में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं, मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। तो चलिए वीडियो फिर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो ये है मंदिर जाने का एंट्रेंस, और ये देख सकते हो इसे कितने अच्छी तरीके से कलर किया गया है ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तो फिलहाल इसीलिए तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग अंदर और जाके मैं अंदर आप लोग से मिलता हूँ। ये पूरा आदिवासी इलाका है, देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और वो देख सकते हो वहाँ पर मिट्टी का घर सब बना हुआ है, यहाँ पर दूर दूर में मिट्टी का घर सब रहेगा। और देख सकते हो यहाँ पर बांस का ये उगा हुआ है पूरा पेड़ सब। और अभी फ़िलहाल मंदिर जाने का रास्ता वो है, तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ से घूम के सभी लोग आ भी रहे हैं। तो हम लोग फ़िलहाल अभी चलते हैं मंदिर और देखते हैं कैसा जगह है। चुके हैं मंदिर के पूरा पास में। तो ये कारा का बहुत प्राचीन मंदिर है जो बहुत सालों से यहाँ पर प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो इसमें ज़्यादातर आना जाना तो नहीं रहता, देख सकते हो कितने सारे जंगल का पूरा अंदर में है। हम लोग पूरा आज शिवरात्रि करके ये मंदिर में थोड़ा भीड़ लगा हुआ है करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी आए, नहीं तो बाकी टाइम ये मंदिर थोड़ा सन्नाटा होकर रहता है, यहाँ पर जानवर सब की भी खतरा रहता है। तो फिलहाल दिखाते हैं ये मंदिर कैसा है, कितना प्राचीन है और देखने में कैसा है। तो चलिए फिर। मंदिर में घुसने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मंदिर में जोगेश्वर शिव मंदिर करके नाम रखा गया है, और ये एक प्रकार से ये एक गुफा है और गुफा के अंदर में भगवान का स्थापना किया गया। तो देख सकते हो आप लोग वहाँ पर उतना ऊपर मेरे को अभी चढ़ना पड़ेगा, तो फिलहाल मेरे को अभी उतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा आप लोगों को दिखाने के लिए और साथ में मैं भी देखता हूँ। तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो कि वो रहा गुफा और मेरे को अभी गुफा के अंदर जाना पड़ेगा, तो ये रहा रास्ता। तो चलते हैं और देखता हूँ। इतना दिनों से मैं आ तो रहा हूँ कारा, लेकिन मैं भूल गया था कि यहाँ पर कुछ मंदिर भी रहता करके। तो भैया ने मेरे को याद दिलाया कि हाँ भाई यहाँ पर भी एक मंदिर है तो हम लोग को जाना चाहिए। तो इसीलिए आज हम लोग शिवरात्रि का दिन आए हैं शिव मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो भाई देख सकते हो ये एक तो गुफा है और इसमें शायद जानवर सब रहते होंगे, देख सकते हो अंदर में और भी बिल है का साइड ही में ये गुफा है, और यहाँ एक तो गुफा है जिसमें शायद ये देख सकते हो। तो ये भी गुफा ही है, यहाँ पर कुछ मूर्ति नहीं है, ये शायद गुफा सब है। मंदिर नीचे में है शायद, तो ये खाली एक गुफा ही है मेरे को लगा। यहाँ पर मैं पहली बार आया था तो मेरे को उतना कुछ पता नहीं था कि यहाँ, मेरे को लगा यहीं पर मूर्ति है, लेकिन यहाँ मूर्ति कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुफा सब है। तो फिलहाल नीचे जाना पड़ेगा, नीचे में हम लोग देखते हैं। हम लोग को फिलहाल यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं मिला तो शायद हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, नीचे में मंदिर है। हम लोग को सोचे थे कि गुफा के अंदर शायद कोई मूर्ति का स्थापना होगा ऐसा, लेकिन कुछ नहीं है। तो चलते फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं हम लोग को और क्या चीज़ देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ से भी जाने का रास्ता है, तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं हम लोग को क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो
मंदिर के पास में सीढ़ी के पास चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ, तो फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर के पूरा अंदर में। तो फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो ये है नंदी भगवान मूर्ति, देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा है। पीछे आप लोग देख सकते हो ये है नंदी भगवान। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, शिव भगवान को दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा शिव भगवान का यहाँ पर स्थापना किया गया है यहाँ पर। आपको मिलाने जा रहा हूँ कारा का जो ये प्रसिद्ध मंदिर है वो ये पंडित जी है। कारा में ही उनका मकान है, वहाँ से सप्ताह सप्ताह यहाँ की सेवा करने के लिए। और जब भी भक्तों का मतलब जो है मन करता है, अगर सोमवार के दिन प्राय करना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए हर साल इतना भीड़ लगा हुआ, सावन के में भी भीड़ लगता है, सावन में पूरे सावन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, चार सोमवार मतलब जो है कांवड़िया लोग आते हैं। तो आपका नाम आपका नाम क्या बता सकते हैं? हमारा नाम गंगानंद ब्रह्मचारी है, झारखंड से लेके उड़ीसा सब जानने लगे हैं। और काफ़ी प्राचीन मतलब जो है यहाँ पे महादेव जी हैं, जोगेश्वर महादेव हैं, कारा ग्राम है इसलिए कारा महादेव के नाम से इनको जाना जाता है। और एक जोगेश्वर नाम भी इनको दिया गया है। तो ये बताते हैं कि जो महाराज श्री जो प्रधान पुजारी जी हैं जी, उनके दादाजी को दादाजी के ज़माने में और उस समय हरिद्वार से दो सन्यासी आए यहाँ पर, हाँ, और उनको वहीं से स्वप्न में यहाँ स्थान के बारे में दिखा कि कारा मंदिर, हाँ, में कि कोई मतलब स्थान में उड़ीसा क्षेत्र में जो है, हाँ, कोई एक ऐसा दिव्य स्थान है। तो सबसे सर्वप्रथम आके इन्हीं के जो जोगेश्वर जी के जो दादाजी हैं जी, उनके यहाँ आके मिले और उन्होंने फिर साथ में लेके फिर यहाँ वो लोग देखने के लिए आए। और इस स्थान को जब देखे तो उन्होंने हरिद्वार के आए हुए सन्यासी बाबा लोगों ने ही बताया, कहा कि महादेव का प्राचीन स्थान है, यहाँ आप महादेव जी की सेवा करें। तो उस समय से फिर दादा के ज़माने से फिर ये जो लोग जो है परंपरा से वो सेवा कर रहे हैं। आज वर्तमान में श्री जोगेश्वर जी जो हैं वो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं और हम लोग ब्राह्मण लोग भी यहाँ से जामदा से जो सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़ती है महाराज जी बुलाते हैं। और मकर में प्रायः में मकर में यहाँ मेला लगता है, मकर में भी काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पे पर्व मनाने के लिए आते हैं मकर संक्रांति का, और उस समय पूरा भव्य मेला का दृश्य रहता है। और शिवरात्रि हुआ और पर्व पर्व में लोग बाग जो हैं जरूर विशेष कर। जी पंडित जी, आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। और जोगेश्वर जो बोल रहे जोगेश्वर प्रधान वर्ग कौन है? जोगेश्वर जी जी महाराज जी है। ओह ये है जी, इनसे थोड़ा देर पहले इनसे बातचीत हुआ था तो अच्छा से बातचीत नहीं हो पाया था, तो चलिए अच्छा लगा। तो ये मंदिर में आकर के हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम लोगों ने यहाँ के पंडित जी हैं उनसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हम लोग को इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो आप लोग भी अगर आसपास अगर यहाँ रहते हो कारा के आसपास बड़बिल कारा, तो अगर आप लोग यहाँ आसपास के रहते हो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा लाइक करिएगा ये वाला वीडियो पर। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। तो फिलहाल अभी नीचे चलता हूँ और नीचे
खीर मिल रहा है तो उससे थोड़ा खाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई जगह अभी चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास थोड़ा बहुत टाइम है जिससे हम लोग घूम सकते हैं थोड़ा बहुत और मंदिर।